Praise the Lord and God bless all of you, and I am thankful to the Lord because the good Lord used us on the different places. Today raining day, but we are committed in our ministry work, and I will today meet with the brother Javed, and we will give our Christmas gifts as like cloths and in the shape of a rupee, and I am very feel a blessing. Then I am meet to the brother Javed last week. He is a very committed man. He is disabled, but he is strong in the faith of the Lord. He is very strong in the faith of blood of Christ. And now we are going for the distributing of different things. And today I will meet with the brother Javed and his family, his children, and hopefully in the name of Jesus Christ we will do this in best in Jesus' name. This is my good way, and I feel if we are strong in Jesus' name, no anything separate from the blood of Christ, because we are committed in Jesus' name. I am saying to everyone, please join us and stand with us for the humanitarian work, for the work of the neglected, for the work of the needy, and so many other families they are deserving. And I am saying to you everyone, please come and join for this purpose. God bless all of you. Amen. Amen. यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदा उन खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपने लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, और खुदा अपने लोगों को तरह तरह की नेमतों से नवाजता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर इस तरह के मौसम में मैं एक भाई के घर में आया जो अपनी बाई जो उनकी टांग है उससे मज़ूर है, पोलियो की वो बीमारी में मुबतला हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि वो किसी रोड पर मांगते नहीं बल्कि मेहनत मजदूरी करते हैं। वो रेड़ी को चलाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन जब मैंने इनके घर में आके देखा तो यहाँ पर कोई एक वाशरूम की सहूलत नहीं, एक किराए के घर में रहते हैं, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि फिर भी वो मसीहत में मजबूत हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ आएँ और मिलकर ऐसे बहन भाइयों के लिए खिदमत करें। खुदा क्योंकि उस वक़्त खुश होता है जब हम जो बेसहारे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए खड़े होते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि जुवेद भाई उनका नाम है, उनकी फैमिली के साथ मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ और मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ कि आप सब आएँ और खुदा के जलाल के लिए, खुदा के लोगों के लिए आए, हम सब मिलकर काम करें। जुवेद भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि एक के आप रेड़ी पर जो है वो मजदूरी करते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। बहुत अच्छी बात है, मसीहत में यही है, क्योंकि मुझे यही खुशी थी जब मैं पिछले हफ्ते आपसे मिला था तो मुझे खुशी हुई थी कि आप किसी रोड पर नहीं मांगते। तो यही मसीहत में मजबूत रहने का यही एक नाम है, यही हमें कलाम सिखाता है कि हम मेहनत करें, क्योंकि जो सुस्त हैं उनके हाथ जो हैं वो कंगाल हो जाते हैं, वो कंगाल अपनी लाइफ में हो जाते हैं, और मेहनती का हाथ जो है हमेशा भरा रहता है। मेहनती इंसान को खुदा तरक्की और खुशहाली देता है। आप मेरी बहन, इनको स्कूल भेजते हैं आप? नहीं भेजते, लेकिन खुदा के फजल से अब ये बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये आपके नहीं बल्कि हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बहन भाई हैं। तो हम ये खुदा के फजल से ये ज़रूर ये स्कूल में भी जाएंगे और अपनी तालीम को भी जारी रखेंगे। आपने पढ़ना है, क्या बनोगे पढ़ के, क्या बनना चाहते हो? पुलिस में, पुलिस में जाना चाहते हो? और देखें ये पैशन कैसा है कि फिर भी इस तरह के घर में भी रहकर और अपने ईमान में ये मजबूत हैं। तो यही इनके लिए एक आलीशान घर है। ये पुलिस की ड्यूटी करके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ जुवेद भाई आपका कि खुदा की तरफ से आपके लिए कुछ चीज़ें आई हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने मदद की तुसी। हाँ थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपने बेटे को तू ब्लेस कर, जिंदा आने वाले दिनों में तू और ज़्यादा इनको ब्लेस कर, इस सारी कमजोरी को दूर कर, घर की जरूरियात को पूरा कर, और हमें बड़ा फजल दे ताकि तेरे ईमान में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएँ और तेरी खिदमत में, तेरे लोगों के कामों में हम और ज़्यादा बढ़ते चले जाएँ। यीशु के वसीला से मांगते हैं।